नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। विधायक के गुर्गों के कारनामे और रात के अंधेरे में विराट 24 न्यूज वैन पर हुए हमले को पुलिस प्रशासन अब ठंडे बस्ते में डाल देने की पुरजोर कोशिशें करते हुए नजर आ रहा है। सवाल उठता है कि क्या विधायक के दबाव के चलते ऐसा हो रहा है? सरकार सो रही है, सिस्टम सो रहा है, प्रशासन के खर्राटों के बीच स्थानीय नेता तथा कथित जनता के सेवक पत्रकारों पर दिन दहाड़े हमलावर हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रही। सवाल उठता है, शिवराज के राज में इनके ही विधायक मीडिया की आजादी को बेड़ियों में कैद करने का सपना खुली आंखों से सजो रहे हैं। इसी का परिणाम है कि सिमरिया विधायक के कुकर्मों का कच्चा चिट्ठा विराट न्यूज ने खोलते हुए विधायक के खाल में पानी भर दिया। तब ये विधायक ऐसे किल से कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो सका। सुनसान इलाके में विराट न्यूज की टीम के साथ की गई मारपीट और न्यूज वैन के शीशे तोड़ दिए गए। इसके साथ ही टीवी तोड़ने वाले सरंग साफ कहते रहे, विधायक के खिलाफ खबर दिखाओगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। खैर, विराट की टीम के साथ हुई मारपीट को तो भूल जाइए। प्रशासन पर मामा के विधायक का इस कदर खौफ पसरा है कि मजाल है प्रशासन हरकत में आ जाए। शनिवार रात को हुई घटना के बाद 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन की कुंभकर्ण की नींद ये जता रही है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हुए हमले मामूली हैं, सरेआम चौराहे पर मीडिया की गाड़ी तोड़ जाना इनके लिए मजाक लग रहा है। लेकिन याद रहे, विधायक से लेकर प्रशासन की कमियों और फर्जीपना का कच्चा चिट्ठा इस तरह के हमले हुए फिर भी दिखाते रहेंगे। सच का साथी विराट आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।